हाय गाइस, सो वेलकम टू डिस्कवरी एंड इनोवेशन। हम आपको इस चैनल पर बहुत सी साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक और अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट्स हाउ यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन वी पोस्ट अवर फ्यूचर वीडियोस। सो गाइस, आज हम जेट इंजन पर तफसीली बात करेंगे कि किस असूल पर काम करता है और इसको कब बनाने की ज़रूरत पेश आई और ये किस सन में बना। वी ऑल नो के आजकल हज़ारों की तादाद में एयरक्राफ्ट हवा में प्रवास कर रहे हैं और इसमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं जो कि जेट इंजन पर काम करते हैं। और गाइस, इवन हेलीकॉप्टर में भी जो इंजन इस्तेमाल होता है वो जेट इंजन की ही फॉर्म टर्बो शाफ्ट है, वो जिसके सहारे ब्लेड को रोटेट करके उड़ता है। हम जो आजकल जेट इंजन देख रहे हैं वो पहली जनरेशन के नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं माजी के लिहाज से। 1930 में जो है ना, वो प्रोपेलर वाले हवाई जहाज हुआ करते थे, जो कि मजबूरी थी क्योंकि प्रोपेलर को मेंटेन करना बहुत इजी होता था। तो प्रोपेलर वाले जहाज़ों की ना तो स्पीड तेज़ हुआ करती थी तो और ना ही ये ज़्यादा बुलंदी पर जाकर प्रवास कर सकते थे। सो सबसे पहले टर्बोजेट इंजन जर्मन फिजिस्ट हानवेन ओहेन ने डिज़ाइन किया। इसने इस जेट इंजन एयरक्राफ्ट को हवा में 6 मिनट तक उड़ाया और उसके बाद इसका इंजन ओवरहीट हो गया। ओवरहीट होने की वजह इसमें लगा मटेरियल हवा के प्रेशर और दर्जा हरारत को बर्दाश्त ना कर सका, सो इस वजह से इसको लैंड करवाना पड़ा। इसके बाद इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए फ्रैंक विटल ने जेट इंजन रीडिज़ाइन किया। उसने इसमें लगे मटेरियल को चेंज करते हुए निकल क्रोम और स्टील का इस्तेमाल किया और उसके बाद इसने इसे 17 मिनट तक हवा में उड़ाया और इसकी ओवरहीट का मसला हल हो गया और इस तरह जेट इंजन ऑपरेशनल हो गया। आजकल जेट इंजन की बहुत सी इकसाम इस्तेमाल हो रही हैं जो कि एक ही असूल पे काम करती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली किस्म टर्बो फैन सेटअप है। टर्बो फैन सेटअप में फ्रंट की साइड पर बड़ा सा फ़ैन लगा होता है जिसका काम हवा को अपनी तरफ खींचना होता है। ये तकरीबन 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड की एयर को अपने अंदर की तरफ खींचता है, जिसकी स्पीड कम होते हुए 200 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद इसके पीछे की तरफ एक और फ़ैन लगा होता है जिसका काम एयर को कंप्रेस करना होता है। जब ये कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तकरीबन 8 गुना तक बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर मुनासिब तौर पर बढ़ जाता है और इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है तो इसके बाद फ्यूल टैंक की मदद से कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। कंबस्टन चैम्बर कंप्रेसर के पीछे होता है। जब ये कंप्रेस हुई हवा जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कंबस्टन चैम्बर में जाती है और फ्यूल के साथ इंट्रैक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा वायलेंटली जलती है और फ्यूल के इस तरह जलने की अमल की नतीजे में गैसेस बनती हैं और टेम्परेचर 900 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये गैसेस कंबस्टन चैम्बर से बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ खारिज होने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वो टर्बाइन ब्लेड को घुमाना शुरू कर देती हैं। ये ब्लेड एक एक्सल के साथ लगा होता है जो कि फ्रंट फैन और कंप्रेसर के फ़ैन के साथ भी अटैच होता है। इस तरह जब ये ब्लेड घूमते हैं तो कंप्रेसर और फ्रंट फैन भी घूमना शुरू हो जाता है और गैसेस बाहर की तरफ एग्जॉस्ट नोजल से होती हुई खारिज हो जाती हैं। अब ये 2020 में जेट इंजन का मज़ीद एवोल्यूशन होने जा रहा है, जिसके मुताबिक कंपनी जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक है एक जेट इंजन जिसका नाम GE9X बनाने जा रही है, जिसकी टॉप स्पीड हालिया इंजन के लिहाज से तो कम होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे और ज़्यादा देर हवा में रहने की सलाहियत रखते होंगे। और इसी तरह इवन रोल्स रॉयस भी अपना इंटेलिजेंट इंजन बनाने जा रही है जो कि प्रेजेंट इंजन के मुकाबले में ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो गाइस, आज की वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।